स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास टेंथ सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर सेकेंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इन लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू टू हेयर, इन टुडे आई विल टीच यू फ्रॉम हेयर। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya. The king prepared himself, raja ne apne aap ko taiyar kiya with prayer, prarthna se, and with fasting matlab vrat se. Raja ne apne aap ko prarthna aur vrat se taiyar kiya to come again, dobara aane ke liye, and sit on the judgment seat, aur judgment seat pe baithne ke liye of Vikramaditya. विक्रमादित्य के राजा ने अपने आप को प्रार्थना से और व्रतों के द्वारा तैयार किया दोबारा आने के लिए और विक्रमादित्य की न्याय की सीट पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग्स हैपन्ड। बट दिस टाइम, देखिए इस बार भी दोबारा सेम थिंग हैपन्ड, वही चीज़ दोबारा घटित हुई, दोबारा वही चीज़, सेम वही चीज़ दोबारा घटित होती है। एनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड आंसर्ड, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स। एनोदर स्टोन एंजल, दूसरे पत्थर के देवदूत ने आस्क्ड हिम उससे पूछा, इफ क्या ही हैड नेवर, उसने क्या कभी भी डिजायर इच्छा नहीं की टू पोसेस, कब्जा करने की, ये अधिकार करने की द रिचेस, धन पर, संपत्ति पर, ऑफ अदर, दूसरों की। पत्थर के दूसरे देवदूत ने पूछा, क्या आपने राजा से पूछा, क्या आपने कभी दूसरे लोगों की संपत्ति पे अधिकार जमाने का प्रयास नहीं किया। द किंग एडमिटेड डैट ही हैड डन सो, राजा ने यह स्वीकार किया, डैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। एंड देयर फोर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, देयर फोर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्थी, वे योग्य नहीं था टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय की सीट बैठने के लिए वो इसलिए योग्य नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया, उसने लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया, इच्छा की, इसलिए वो विक्रमादित्य की सीट बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल एंड ही हैड टू विथड्रॉ। इन दिस वे, इसी प्रकार, वेन एवर, जब कभी द किंग, राजा ने ट्राइड, कोशिश की टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ऑक्यूपाई द थ्रोन मतलब सिंहासन बैठने का प्रयास किया, जब भी राजा ने सिंहासन और बैठने का प्रयास किया था, ही वॉज क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछे गए बाई एन एंजल, एक देवदूत से, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको पीछा हटना था। शिव का, जब जब राजा ने सिंहासन बैठने का प्रयास किया, उससे एक देवदूत के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए और उसको पीछे हटना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लीप, दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा टिल में, जब तक ओनली वन एंजल, केवल एक देवदूत, वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, दिस वेंट ऑन, और ये जब तक चला टिल में, जब तक ओनली वन एंजल, जब तक केवल एक देवदूत वॉज लेफ्ट बचा था, सपोर्टिंग, उसको सपोर्ट करते हुए, उन्हें अपने ऊपर रखे हुए, द मार्बल स्लैब, पत्थर के तख्ते को, और ये सिलसिला जब तक चलता रहा, राजा तैयार होकर आता था और उसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और राजा पीछे हट जाता था, ये जब तक चला, जब तक आखिरी देवदूत नहीं बचा था, आखिरी देवदूत बचा था पत्थर, मार्बल के पत्थर को पकड़े हुए, मार्बल से लेकर पत्थर के तख्ते को पकड़े हुए। द किंग बेंट नियर द थ्रोन विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस डेड। जब लास्ट देवदूत बचा था तो राजा को ये श्योर हो गया था कि अब तो मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि लास्ट बचा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत बड़े विश्वास के था, फॉर, क्योंकि ही फेल्ड, उसने महसूस किया, एहसास किया, श्योर, निश्चित ही
और बीइंग अलाउड कि उसको अनुमति मिल जाएगी टू टेक हिज प्लेस डेट डे, टू टेक हिज प्लेस डेट डे कि आज वो इस सिंहासन पर बैठ जाएगा। जैसे आखिरी देवदूत बचाता है तो राजा को पूर्ण विश्वास हो गया था कि आज उसको सिंहासन बैठने का अधिकार मिल जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली श्योर इन हार्ट। बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वो सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी एंजल बोला, आर यू श्योर, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप अब वास्तव में दिल से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। ओ किंग, हे राजन, हे राजन, क्या आप अब पूर्ण रूप से अपने दिल से शुद्ध हो। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज डेट ऑफ द लिटिल चाइल्ड, इज योर हार्ट, क्या आपका दिल एज प्योर एज कि इतना शुद्ध है जितना कि डेट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि उस छोटे बच्चे का था, क्या आपका हृदय वाकई में अब इतना शुद्ध हो गया है जैसे कि उस छोटे बच्चे का था। छोटा बच्चा कौन, जो चरागाह में उस चबूतरे पर बैठा करता था, मतलब विक्रमादित्य की सीट पर बैठता था। इफ सो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन दिस सीट, इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, तुम वास्तव में वर्थ, इंडीड तुम वास्तव में वर्थी योग्य हो टू सीट बैठने के, ऑन दिस सीट, इस सीट पर, यदि वाकई में आप इस लायक हो तो वाकई तुम वास्तव में उस सीट पर बैठने लायक, मैं उस सीट पर बैठने योग्य हो। नो सेड द किंग वेरी सैडली, राजा ने कहा नहीं, उसने बड़ी दुख के साथ राजा ने कहा नहीं, मेरा दिल इतना पवित्र नहीं है जितना कि उस लड़के का था। नो आई एम नॉट वर्दी, ना मैं अब इसके योग्य नहीं हूँ, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, बेयरिंग द स्लेव अपॉन हिज हैंड। एट दीज वर्ड और इन शब्दों के साथ ही द एंजल देवदूत फ्लू अप इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गया, बेयरिंग ले जाते हुए द स्लेव अपॉन हिज हैंड, अपने सर। लाइट देवदूत ने ये क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन पूछने के बाद इन शब्दों के साथ अपने सर के ऊपर उस तख्ते को रखकर आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और यही कारण है हाउ, जैसे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड, गायब हो गई, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए, और यही कारण है, और इसी प्रकार विक्रमादित्य की न्याय की सीट, न्याय का सिंहासन पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। राइट ऑल द हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज टेल मी एंड राइट योर कंप्लेंट इन कंप्लेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, एंड इफ यू लव दिस एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, प्लीज लाइक द वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।